और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा तय है। 31 अगस्त को यानी कि कल छत्तीसगढ़ आने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह 11:05 पर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय है। 11:20 पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। एयरपोर्ट से शांति सरोवर विधानसभा वो पहुंचेंगी। करीब 12 बजे ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम लॉन्च करने वाली है वो, और 1 बजे ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगी। शाम करीब 4 बजे महंत घासीदास संग्रहालय पहुंचेंगी। शाम 5 बजे राजभवन में पौधारोपण भी करेंगी। शाम 7:30 बजे राज्यपाल के भोज में भी वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगी क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जो भी डिटेल्स साझा की गई हैं वो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा होने जा रहा है। तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त यानी कि कल शिरकत करने वाले हैं। और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 80 साल पुराना नीम का पेड़ अब नहीं काटा जाएगा, ये बड़ा फैसला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के ईई ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। करैया गांव की बात है जहां पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन स्थानीय लोग कर रहे थे। सड़क निर्माण के लिए पेड़ काटने के लिए ठेकेदार पहुंच गए थे और गांव के बच्चों और युवाओं ने पेड़ बचाने की मुहिम शुरू की। न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज करवाया और उसके बाद ये बड़ा फैसला कि इस पेड़ को अब नहीं काटा जाएगा। और खेल जगत से भी एक बड़ी जानकारी, आज से एशिया कप शुरू हो रहा है। 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया और 2 बार की विजेता पाकिस्तान खिताब जीतने की प्रबल दावेदार हैं। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान टूर्नामेंट की डार्क हॉर्स बनकर उतरेंगी और पहली बार उतर रही नेपाल टीम के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। आज पहला मुकाबला नेपाल और पाकिस्तान के बीच होगा। और अब 25 सेकंड में खबर, मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान। 23